ओके 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 एवरीवन, आई नो आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि आज पवन सिंह जी का जो सॉन्ग रिलीज़ होने वाला था वो फाइनली रिलीज़ हो चुका है। बहुत देर हो चुकी है सॉन्ग रिलीज़ हुए, लेकिन मुझे अभी टाइम मिला देखने का एंड तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट टाइम मैं सॉन्ग देख रही हूँ, पहले मैंने नहीं देखा है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉन्ग देख लेते हैं कैसा है, उस पर बात करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। वायरल भोजपुरी प्रेजेंट। बर्थडे में गई रही। अच्छा जी। हाँ हाँ। महक रहा हूँ क्या? कल ही तो ना आया था। हम देखो निहार रात भर ना जावे ना ना चनिया। पैसे के भुलाई भैलो मारो दे वचनिया। बहुदी को दिलो भिनुसा के कर सठल बाटे कुलिया ये जाजा। कह खा के किरिया हमा। हम आओ तनी बाहर ले तनी खाना निकाल के रखा था। खाना चाहिए चाहिए खाना। अरे हाय का खाना वा कहाँ गई लो? खाना वा हाँ उड़ गई। नलु थारी ये हमार नगरी अबे अनजान कहाँ बा। देखा दूरी के लाइनी दतुआन दतमान जान कहाँ बा। बोला ओने मनोरंजन चाहिए तेने व्यंजन चाहिए बताई हम। आई होस जाई भोरस जब दे में पिया तहर लई को ना जानी तहर ने में पिया। इतना आसान बारे हम के छाटो के बाट देला प्यार के कर सठल बाट कुले आए राजा। कह खा के किरिया हमा। चाकू तू जानी डांकू वाला रूप धारा हो। अपन पियाऊ पावन पा तू रहम करा हो। आगुसा थूक दो तो। नहीं थूकेंगे तो हटो। छोड़ो बेगो अब ढेक नहीं रुकिए पिया अब बाकी बाटे कोइल मुका मुकिए पिया। अभी ये बचल बा रोशन रोहन से गोइनी सठल बाटी कुले आए राजा। कह खा के किरिया हमा। धनी हमार सॉरी आइंदा ध्यान रहे के चाहिए। ओके सो इस सॉन्ग की ना काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि जब टीजर आया था तभी मुझे पता चला था कि ये सॉन्ग ना कुछ अलग होने वाला है एंड पवन सिंह जी का सॉन्ग है तो हर बार वो कुछ ना कुछ अलग अलग लाते ही है। सो सॉन्ग के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये बिल्कुल ही अलग सॉन्ग था। मतलब कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते कुछ रोमांटिक होते डांस नंबर वगैरह होते लेकिन ये सॉन्ग ना मतलब फैमिली ड्रामा टाइप लगा मुझे कि हर फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ में होता है थोड़ी सी नोक झोंक प्यार व्यार वो सब दिखाया गया एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिखने में और मज़ा आया सब कुछ स्टोरी देखने में। सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सॉन्ग बहुत ज़्यादा सूट हो रहा था सब स्टोरी पर एंड आई थिंक उसके हिसाब से ही वो स्टोरी लिखी होगी गाना लिखा होगा लेकिन
लेकिन कमाल ही कर देते हो भाई, जिस तरह से गाना लिखते हो, प्रेजेंट करते हो, म्यूजिक डालते हो, जिस तरह से गाते हो, सामने वाले ऑडियंस को भी मज़ा आ जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ सॉन्ग था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये सॉन्ग। एक भी सीन ऐसा नहीं था कि मेरी नज़र हट जाए, या फिर एक भी जगह पर ऐसा नहीं लगा कि इधर उधर देख ले, बिल्कुल नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। इतना बढ़िया सॉन्ग निकला है, सो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे ये सॉन्ग। तो आपको ये सॉन्ग कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको सॉन्ग में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए सॉन्ग, टीजर या ट्रेलर के रिएक्शन या फिर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।